हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हो? रियली आई होप बहुत अच्छे होगे। सो गाइस, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। आज नाइट से मेरे तबीयत खराब हो गई है। नाइट से चक्कर आ रहा है, सर घूम रहा है और अभी भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है। थोड़े से मैंने सुबह इलेक्ट्रो पाउडर पी लिया था, जो मेरा बीपी लो हो रहा था, तो मेरा बीपी लो बहुत जल्दी हो जाता है। अभी मैं किचन में हूँ और सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं डॉक्टर से भी आ गई। ओके, और डॉक्टर पे गई थी इसलिए मैंने साड़ी वेयर किया था। तो मैंने ये साड़ी पास में ही है बस, तो घर छोड़ के और डॉक्टर से होकर आ गई मैं। तो अपनी दवाइयाँ भी लाई हूँ, आकर सोचा डुगू की बोतल भी धो देती हूँ, वरना डुगू दूध कैसे पिएगा कहाँ से, क्योंकि वो गिलास में दूध नहीं पीता है, बहुत जिद्दीला लड़का है वो। तो मैंने गर्म पानी कर लिया और सोचा बोतल भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मम्मी साफ़ करती हैं, मम्मी घर ठंडे पानी से साफ़ करके रख देती हैं तो स्मेल आती है, तो वो मुझे पसंद नहीं। और आज खाना बन गया है, मम्मी ने बनाया, सासू माँ ने, और मेरी तो तबीयत ख़राब, तो बस मैंने साड़ी पहना और डॉक्टर के पास चली गई। अभी भी थोड़ा सा मेरा तबीयत सही नहीं है, अभी भी थोड़ा सा सर घूम रहा है मेरा। तो ये बोतल धो के डुगू को दूध देने में आ गई। तो आप लोग देख रहे हो डुगू कितना मस्ती खो रहा है, मस्ती कर रहा है ये, और टीवी भी देख रहा है। और ये सारी पिलो इस लड़की ने ख़राब करके रख दी है, घर में जितनी भी पिलो थी। तो मैं इसीलिए नई पिलो नहीं निकालती, जो न्यू पिलो है वो मैं अंदर बैठ के रख देती हूँ, क्योंकि ये लड़का सारी फोड़ करके रख देता है। तो मैं अभी मेडिसिन नहीं खाई है, तो अब मैं अपनी दवाइयाँ खा लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बातें करती हूँ। तो ये पानी ले लिया है मैंने, गिलास लेकर आई थी अभी, क्योंकि बोतल से पीऊँगी तो मेरी तबीयत ख़राब है, तो बच्चे को भी अच्छा भी पी लेता है, इसलिए मैंने सोचा मैं ऐसी गिलास में पानी पीऊँगी आज तो। बट मैं डेली तो बोतल से ही पीती हूँ आ कर कर। तो ये मेरी थोड़ी सी दवाइयाँ हैं और ये 2 दिन की दवाइयाँ हैं, तो मैं अभी ये दवाइयाँ खा लूँगी और फिर उसके बाद शाम को भी मुझे दवाइयाँ खाना है। तो और मेरा फ्रेंड बीपी लो बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत परेशान हूँ, पता नहीं, बीपी की हर रोज़ टैबलेट खाना पड़ती है। और बीपी का कुछ आप बताइए इलाज कुछ हो तो, और बहुत घबराहट होने लगती है अचानक से। और ये दूसरी टैबलेट है, एक मैंने खा चुकी, और ये मेरी एक दूसरी टैबलेट है। और जब तक दुग्गू भी अपना दूध फ्रेश कर लेगा, ये लड़का इतना बड़ा हो गया लेकिन वो दूध बोतल से पीना बंद ही नहीं कर रहा, इसकी छुड़वाने की सोच रही हूँ लेकिन छोड़ता ही नहीं है, छोड़ता ही नहीं है। और इसको कितना भी मतलब ये बोलो कि बोतल खराब रखिए, गिलास से दूध पी लो, तो नहीं, फिर बोल देता है मुझे भूख ही नहीं है। अब क्या करूँ इस लड़के का, कि यार बोतल कैसे छुड़वाए, पता नहीं कैसे छूटेगी इसकी बोतल, बहुत परेशान हम लोग। और सारी दवाइयाँ मैंने खा ली है और अब मैं करूँगी, पहले इसको रख के आती हूँ, जब मैं कुछ करूँगी। तो अभी तो बहुत गर्मी है, बारिश भी हो रही है लेकिन थोड़ी गर्मी भी ज़्यादा है इधर, तो मैं थोड़ा सा आराम करूँगी अब, उसके बाद मैं कुछ करूँगी। तो ये लड़का मुझे देखो पिलो भी नहीं दे रहा था, और ये लड़का पता नहीं सकती इतना हाथ पार कर रखता है, ये मुझे पिलो अपने साथ भी लेटाना है, बस नाइट में लेटता है, बस उसके बाद मना कर देता है मम्मी नहीं, तो फिर बहुत परेशान करता है, मेरा मतलब ये है। तो अब मैं कुछ भी काम नहीं करूँगी, बस अब मैं आराम करूँगी और सो जाऊँगी, और फिर मैं 1-2 घंटे बाद जगूँगी, जब नहाऊँगी उसके बाद कुछ किचन विचन में जाऊँगी खाना वाना बनाने के लिए, तो सॉरी नाश्ता भी दोपहर में हमारे यहाँ नाश्ता बनता है, आप लोगों को नहीं बताया तो जान लीजिएगा। तो शहर में 12 से 2 के बीच नाश्ता बनता है। तो मैं सोने के लिए लेट गई हूँ और मैं इसी तरह सो जाऊँगी और फिर क्या।